थर पारकर का 33 साल जावेद जोगी जब गलती से सरहद पार करके इंडिया चला गया तो उसके घर वाले, जो सांप का तमाशा दिखा के अपना गुजर बसर कर रहे थे और कानूनी मामलात से मुकम्मल ना आशना थे, नहायत परेशान हो गए और मदद के लिए दर बदर भटकने लगे। ऐसे में थर पारकर के समाजी कारकुन वली नोरियो ने अंसार बर्नी ट्रस्ट से मदद की अपील की। मतलब एक रहना कच्छ है, उससे ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पे पानी जब सिलू हो जाता है ना, खुश्क हो जाती है ज़मीन, वहाँ से फिर क्रास मिलते हैं उन लोगों को। पता नहीं कैसे गया, इसका दिमागी तवादन दुरुस्त नहीं था। कासिम ये जो जावेद जोगी है इंडिया की जेल में बंद, ये जावेद जोगी का घर है और ये है उसका घर। आ जाएगा, अच्छा आ जाएगा, आ जाएगा, अच्छा बेफिक्र हो गया उसका, आ जाएगा, आ जाएगा। जनाब अंसार बर्नी अपनी टीम के हमरा थर पारकर पहुँचे और जावेद जोगी की फैमिली से मुलाकात की और कहा कि वो उनके बेटे को हर हाल में पाकिस्तान वापस लेकर ये अपील करूँगा और आप सबको ये कहूँगा, कोई भी आए पैसे लेने, एक पैसा नहीं देना है। वली साहब को बताइए उसको जेल में जाना चाहिए जो आपके साथ चीटिंग फ्रॉड कर रहा है। कोई खर्चा नहीं है आपका, जो भी होगा अभी हम मिलके देखेंगे, अंसार बर्नी ट्रस्ट करेगा। उसको लाने आपके घर तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। अंसार बर्नी ट्रस्ट की मुसलसल कोशिश और मेहनत के बायस आज जावेद जोगी वतन वापस पहुंच चुका है। थर पारकर का रिहायशी 33 साल जावेद जोगी भारतीय जेल से रिहा कर पाकिस्तान पहुंच गया। जावेद जोगी 3 साल पहले गलती से भारतीय सरहद अबूर कर गया था। जावेद जोगी की भारतीय कैद में निशानदेही 2 साल पहले ARY न्यूज ने की थी। अंसार बर्नी ट्रस्ट की कोशिशों से जावेद जोगी की रिहाई मुमकिन हुई। किसी भी किस्म की मुफ्त कानूनी मावनत के लिए अभी अंसार बर्नी ट्रस्ट से राब्ता करें।